तो अब तक यहाँ पे लेटर लाइटमस टू में हमें ना यहाँ पे टीचर मिल चुकी है जिसकी गर्दन ना बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक डॉक्टर मिल जाता है जो कि यहाँ पे उल्टा जो है लटकता है, और उससे ना पता नहीं अभी तक हमारा जो पाला है वो छूट चुका है या फिर नहीं, क्योंकि शायद से हमें आगे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे यहाँ पे हमें कौन कौन से नए नए मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना ये वही लड़की है, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं द गर्ल इन द रेनकोट। और ये ना अभी मुझे सबसे पहले तो इस दरवाजे को खोलना है। अबे मैं पकड़ने भूल गया, तो इसको ना मुझे फिर से एक बार पुश देना पड़ेगा। चलो अबे ठीक है ओके। तो यहाँ पर मैंने जो दरवाज़ा ये यहाँ पर खोल दिया, अभी पता नहीं यहाँ पर मुझे कौन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक मुझे यहाँ पर मैनिक्यूज देखने को मिल चुके हैं जिनके अंदर मतलब आत्मा नहीं होती बट वो बॉडी अकेली होती है उनकी। खैर ये किसी बच्चे का जो है रूम मुझे लग रहा है, और अगर इसके बगल वाले रूम में चलकर देखें तो ये वाला जो रूम है ये भी यहाँ पे खुला हुआ है, बट इसके अंदर कोई है क्या? नहीं, इसमें यहाँ पे टीवी चल रही है और मुझे इस टीवी को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मुझे फिर से वही सपना आने वाला है या फिर मेरे कान में इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जोर जोर से बजने वाली है। हो जा बंद, हो जा हो जा हो जा, चलो ठीक है ओके। मुझे ना इसका ना रास्ता सीधा सीधा करना है ओके। ऑलराइट हो गया, एक बार और बस, और अभी एकदम हो चुका है। ओह ये वही वाले गेट के पास आ चुका हूँ। ये पता नहीं जो बार बार ये जो गेट है ना, ये उसका मुझे जो मिस्ट्री है ना इसकी समझ में नहीं आई कि जो बार बार ये जो गेट है ये मुझे क्यों दिखता है। खैर अभी शायद से मैं अपने सपने में हूँ, और अभी मुझे जो लड़की है ना वो मुझे जगा देगी। द गर्ल इन द रेनकोट, नहीं द गर्ल इन द येलो रेनकोट, ये नाम सही है ओके। ओ भाई इस बार मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। अच्छा हर बार ना मैं दरवाज़ा खोल नहीं पाता, लेकिन इस बार मैंने दरवाज़ा खोल दिया, ये तो सही है। अब इस दरवाजे के पीछे कौन है? ओ एक सेकेंड, ये कौन है भाई? ये तो कोई अलग मॉन्स्टर लग रहा है मुझे। इसकी गर्दन भी लंबी है, मतलब इसकी गर्दन लंबी नहीं है लेकिन ये पूरे पूरा पूरी तरीके से लंबा है ओके। ये पता नहीं कौन है, स्ट्रेंजर टाइप का कुछ था, आदमी है इतना तो पता चल चुका है अभी ओके। ये मुझसे बोल रही है यहाँ से चलने को। मुझे ना अपना ये टोपी ना ये चेंज कर लेनी चाहिए, ये पट्टी वाली टोपी अच्छी लग नहीं रही। ओ हो भाई ये क्या कर रहा है? ओ ये तो टीवी में से बाहर आ गया, तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो। मैं एक गलत कमरे में आ गया, मुझे उस बच्चे वाले कमरे में ही रहना था। खैर मुझे पता नहीं मुझे किधर जाना है, तो मैं अपने इस लड़की के पीछे भागता हूँ ओके। छुपना है क्या? ओ माई गॉड कहाँ छुपू, छुपने की जगह मर गया मैं, मर गया। ओ भाई अरे पकड़ लिया इसने, ये अजीब है। इस बार फिर से ट्राई करते हैं इससे भागने का। ऑल राइट मुझे तो जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे छुप नहीं पाया ना तो यहाँ पर ये मुझे मार देगा, इतना पक्का है। और मुझे पता है कि मुझे छुपना कहाँ पे, मैं ना सीधा जाके पलंग के नीचे जाके छुप जाऊँगा। चलो 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 चलो, अरे मारी मैंने स्लाइड, ये छुप गया मैं, बस अभी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। एक सेकेंड, लेकिन ये शायद से इसको देख सकता है। ओ भाई 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 भाई, अगर इसने इसको पकड़ लिया तो मुझे इसको बचाने जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऑल राइट लो अब तो मुझे इसके पीछे भागना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये क्या है? हाँ नहीं ये टीवी ऐसी स्क्रीन चल रही है, क्या सीन था पता नहीं अभी क्या हुआ, मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे इतना पता है कि वो जो मैन था ना, मिस्ट्री मैन जो भी है, वो मिस्ट्री मैन स्ट्रेंजर मैन जो भी है वो चला गया उसको लेके। मुझे कहाँ मिलेगा अभी उसको देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मुझे सामने की तरफ ही जाना पड़ेगा, और भी तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको यहाँ पे वापस लेके आने के लिए। ये खुलेगा क्या? एक सेकेंड, नहीं ये नहीं खुलने वाला। और जो बारिश है ना ये भी स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ गया यार वो उसको लेके? मैं इस टीवी के पास वापस जाऊँ? एक सेकेंड, इसके अंदर मैं अगर जा पाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया है। और एक सेकेंड, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अंदर चला जाऊँगा, लेकिन मैं अंदर चला गया।
ये जगह मुझे कुछ जाने पहचाने ही नहीं लग रही। खैर मुझे पता नहीं अभी मैं किधर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे जाना किधर है ये भी नहीं पता। ऑल राइट, हाँ इसके थ्रू मैं सोफे के ऊपर जा सकता हूँ और सोफे के पास जाके शायद से मैं ऊपर की तरफ इसको पकड़ सकता हूँ। ऑल राइट चलो, तो मैं ऊपर वाली टीवी से यहाँ पे गिरा हूँ, तो ये वाला दरवाज़ा शायद से खुल जाए। खुल जा, खुल गया। अबे खुल क्यों नहीं रहा, मुझे लगा खुल गया। जोर लगा के हाईशा नहीं खुलने वाला ये। ओके एक सेकंड, यहाँ पर भी एक टीवी है ना, तो इसको मैं कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ। चलो शायद इसके अंदर। ओके ओ मतलब मुझे ना अभी टेलीपोर्ट हो के जाना है, समझ गया। जितनी बार मैं टेलीपोर्ट होऊंगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बढ़िया है। ये दरवाज़ा खुलेगा इधर? नहीं खुलेगा। अगर ये वाला गेट अगर यहाँ पे खुल जाए ना, तो यहाँ पर एक और टीवी है। एक सेकंड, मैं यहाँ से जंप तो लगा सकता हूँ ना। एक सेकंड, और ये लगाए मैंने। ओके तो यहाँ पर ये वाला गेट खुल गया, यानी कि मैं समझ गया मुझे करना है। मुझे ना यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकता हूँ अगर मैं इसको उस साइड में लेके चला जाऊँ तो। मतलब कि इसको टीवी को ना मुझे उसके पार लेके जाना है, उसके बाद मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, फिर ना मैं वहीं पे जाके गिरने वाला हूँ। तो ये आ गई टीवी यहाँ पे, फटाफट से चलते हैं अभी अंदर और इसके थ्रू हो जाते हैं टेलीपोर्ट। ऑल राइट अभी सही है। खैर अगर आपको बताओ कि जो मिस्ट्री मैन अपने सिक्स को किधर ले गया, मतलब सिक्स नहीं वो रेनबो वाली गर्ल को कहाँ ले गया, तो ज़रा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, इस बार सही से जंप लगाना है। चलो ऑल राइट, अभी इसके ऊपर जंप, अभी पाइप के ऊपर और सामने की तरफ। पता नहीं मैं जंप लगा भी पाऊँगा या फिर नहीं, बट मेरे हिसाब से मुझे इसको पकड़ना था लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया, तो एक बार फिर से यहाँ पे ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से वो ना थोड़ा उस साइड में है और मुझे आगे वाले उससे जाना चाहिए, तो शायद से मैं इसको पकड़ सकता हूँ। चलो मतलब मुझे इस वाले इससे जंप लगानी चाहिए और मुझे भाग के जंप लगानी पड़ेगी। 1, 2 एंड 3। वाह अभी गिर ना जाए, बस बच गया। वो जो मिस्ट्री मैन है ना, वो शायद से उसको टीवी के अंदर तो लेके जा नहीं सकता, लेकिन जब वो उसको ले गया ना, तो उसकी जो परछाई टाइप की ना बन रही थी, वो मुझे समझ नहीं आया कि वो आखिर में क्यों बन रही थी। और यहाँ पे फिर से एक टीवी आ चुकी है। मेरे हिसाब से मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्या? हाँ उस पर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। बच गया, मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, इस टीवी का रिमोट है, शायद टीवी चालू हो जाए। आवाज़ कैसी आई? ओ हेलो, टीवी चालू हो जा। ओके तो यहाँ पर ये जो है चालू हो चुकी है, मतलब कि मुझे बटन प्रेस करना था बस। चलो अभी मैं ऊपर जाके चला जाता हूँ। मतलब मैं रिमोट का ना यूज़ नहीं कर रहा था, मैं रिमोट का बटन ही यूज़ नहीं कर रहा था। ऑल राइट अब इसके ऊपर कैसे जाऊँ? वैसे उस साइड में तो कोई टीवी है नहीं, नीचे की साइड भी कोई टीवी नहीं है, तो एक काम करते हैं नीचे की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर कुछ है क्या? एक सेकंड, यहाँ पर पता नहीं क्या है, ये रास्ता ही बंद है। चलो तो रास्ता तो यहाँ पे बंद है, यानी कि मुझे इस साइड से जाना है। ऑल राइट मेरे साथ, जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब शायद से उस टीवी को एज अ टेलीपोर्ट डिवाइस यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो उस टीवी का यहाँ पे होने का कोई मतलब था नहीं। चलो ये किधर है? ओ हाँ ये रही ना टीवी, ये टीवी चालू हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं वहाँ जाके गिरूँगा, लेकिन फिर मतलब क्या है वहाँ जाने का? यहाँ पर क्या मैं इसको पीछे की तरफ खिसका सकता हूँ? ऑल राइट वाओ, मतलब मैं अगर पहले इसके बारे में सोच लेता तो अब तक तो मैं पहुंच भी जाता। अब मैं इस टीवी की हेल्प से टेलीपोर्ट हो सकता हूं और फिर वहां पर जाकर ना वापस से आगे मैं उस साइड जा सकता हूं। बताओ इतनी सारी मिस्ट्री है इसमें।
और ये लगाई मैंने, अबे ये तो इस बार इस पे टंग गया। वाह, कोई नहीं, अगर टंगता भी नहीं ना तो भी काम बन जाता। अभी बस मुझे ठीक से इसके ऊपर लैंड करना है। ओ पा, बच गया बच गया बच गया। और अभी शायद से मुझे इस हैंगर से लटकना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंगर कुछ वैसे ही लग रहा है मुझे। ऑल राइट, ये मैंने पकड़ लिया हैंगर, और इसके थ्रू मैं सारी चटकरियों को तोड़ ताड़ के आ चुका हूँ एक घर के अंदर। शायद इस घर के अंदर वो मिस्ट्री मैन, टीवी मैन मिल जाए। एक सेकंड, ये खुलेगा नहीं ना, तो शायद ये वाला दरवाज़ा खुल जाए। खुल जा, नहीं खुल रहा, इसको खोलने का ट्राई करते हैं। ओ खुल गया ये ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर ये कौन है? ये आंटी जी हैं, इनका मैं क्या करूँ? ओ भाई, ये तो भाई सक्शन है पूरे तरीके से, मतलब वैक्यूम क्लीनर नहीं होता उसके तरीके से इन्होंने मुझे अपनी सर के अंदर घुसा लिया है। इस बार मुझे टीवी थोड़ा सोच समझ के बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टीवी है मगन थी। चलो ओके, तो मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? अगर मैं इनके सामने जाऊंगा तो बच पाऊंगा क्या? बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा मुझे पता नहीं है। ऑल राइट, मैं बच गया हूँ इनसे। मैं बच गया हूँ तो मुझे टीवी बंद करने की ज़रूरत ही नहीं ना, फालतू में टीवी बंद कर रहा हूँ। चलो यहाँ से चल। ओ भाई, मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर चढ़ने के लिए मुझे जंप ओके कर सकता हूँ। ओके हाँ, चलो खुल क्यों नहीं रही? तो भाई खुल जाना यार, गजब है। मेरे हिसाब से मुझे तो आंटी जी को बुलाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ छुप जाता हूँ, और उस टीवी को बंद मैं कर नहीं सकता यहाँ से। ओके अभी सही है बस। अबे क्या मजाक है, मैं छुप गया तब भी यार उसने मुझे देख लिया। वाह, मुझे क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर ना कुछ मिस कर रहा हूँ। तो एक बार मुझे वापस से अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि मैं मिस क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे टीवी है, अगर यहाँ पे टीवी है तो शायद से जो टीवी है ये टेलीपोर्ट होने के लिए बनी होगी। तो आसपास कोई और टीवी देखनी होगी मुझे, या फिर मैं आंटी जी का ध्यान कैसे भटकाऊँ ये मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली तो जा नहीं सकता। ओके, तो यहाँ पर भी टीवी है, इसको मैंने चालू कर दिया। ओके समझ गया समझ गया, मतलब मुझे इस आंटी जी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और उसके बाद मैं टेलीपोर्ट होके वहाँ पर जा सकता हूँ। ये बात हुई ना, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे छुपना पड़ेगा। छुपना पड़ेगा क्या? ठीक है, अब आंटी जी कहीं उस साइड, और मैं फटाफट से इसके अंदर टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे। और अभी ये जो आंटी, इनका चेहरा दिखना यार मुझे, इनका चेहरा दिखाई दे जाएगा क्या मुझे यार? दे जा दिखाई। ओके ओ शिट, चेहरे देखने के चक्कर में मैं मर गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहीं से आ गया। चलो यहाँ से चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। वैसे ना यहाँ पे अपनी उस रेनबो वाली लड़की को ना, यहाँ पे नहीं, रेनकोट वाली लड़की को यहाँ पे 2 बार जो है इन्होंने लोगों ने अगवा कर लिया। मतलब पहले किसी और मॉन्स्टर ने किया हुआ था, और यहाँ पे फिर से इस टीवी वाले मैन ने कर लिया। ओके, तो यहाँ पर एक और अंकल जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर एक टीवी है। तो एक काम कर सकता हूँ, मैं इस टीवी को कर सकता हूँ चालू। ये हो गए चालू, अभी मैं हो सकता हूँ यहाँ से टेलीपोर्ट। बट उस टेलीपोर्ट होने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाया जाए? एक काम करता हूँ, इस टीवी के नीचे जाए। ओ भाई, इनका चेहरा नहीं है भाई, इनके चेहरे में ना नाक, नाक तो है शायद, मुंह से, मुंह इतना इतना ज़्यादा बड़ा कर ले रहे हैं ना कि उसकी कोई सीमा नहीं है। चलो वापस एक बार ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस टीवी को बंद करके ना फटाफट से नीचे की तरफ कूद जाना चाहिए, क्योंकि यही मुझे एक ऑप्शन लग रहा है सही। टीवी चालू,
अच्छी भी कर दिया मैंने बंद। ओके ये हुई ना बात, उस चीज को फटाफट चालू करके यहाँ पे टेलीपोर्ट आता हूँ और वापस से उस साइड से चलना पड़ेगा। यहाँ पे गेट भी है, पता नहीं गेट खुलेगा या फिर नहीं। ये हो गया मैं टेलीपोर्ट। अबे बचे, ओ भाई बच गया मैं। ऊपर जाना है, ऊपर जाना है ऊपर। हाँ अब इधर किधर है, चलो गेट तो यहाँ पे खुलेगा नहीं, तो किसी के वॉशरूम में जाना पड़ेगा। चलो ऑल राइट, बेड पे, बेड को किसी को ना, मतलब जो बेड है ना किसी को ऐसे नहीं डालना था। इसको पकड़ता हूँ मैं और ये बनी रोलर कोस्टर राइड। ओ भाई ये अंकल जी का, एक सेकेंड, ये सब के सब क्या कर रहे हैं इधर? हाँ तो काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, मुझे लगा कि अंकल जी टीवी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो माजरा कुछ और है। ओ भाई मुझे यहाँ से फटाफट से निकल लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझे देख लिया ना तो यहाँ पे ख़त्म खेले। एक सेकेंड ये गिर क्यों रहे? ऊपर की तरफ इतनी बड़ी टीवी चल रही है क्या? ओ भाई चलो, मेरे हिसाब से अगर मैं सीवी को चालू करके मैं डायरेक्टली वहाँ टेलीपोर्ट हो जाऊँ तो मज़ा आता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। काम करता हूँ इसको, इसके अंदर चलता हूँ। ओ भाई ओ पकड़ ले पकड़ ले, पकड़े ही नहीं भाई इसने। वैसे इसको पकड़ने की जरूरत क्या है, मैं यहाँ से भी तो जा सकता हूँ डायरेक्टली। एक सेकंड पकड़ ले इसको, पकड़ ले। हाँ हाँ तो अभी यहाँ सीन क्या है? ओके मैं इसको गिरा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इस टीवी को नीचे की तरफ गिरा देता हूँ। वाह अभी सही है, मैं डायरेक्टली एकदम अंदर जाऊँगा। चलो और ये आ गया मैं अंदर, चढ़ जा। चलो यहाँ पे पता नहीं किसी टाइप का लीवर है, और पता नहीं जो लीवर है किस चीज़ का है। इसको मैं खोल दूँ क्या? ओ भाई ये क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? ओ वाओ, मतलब यहाँ पे पानी डाला हुआ था और उसको चालू करने से लाइट पूरी जगह पे चालू हो जाएगी और मैं मर जाऊँगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर को मैं मार सकता हूँ। मुझे आवाज़ भी आ रही है। ओ भाई कोई है, कोई है, अंकल जी हैं बेटे। अंकल जी को मैं कैसे लेके आऊँ? एक काम करता हूँ, इनको तोड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। भागो भागो भागो, ओ भागो, ओ भाई भागो भागो, मरवा दिया मरवा दिया मरवा दिया मरवा दिया मरवा दिया। नहीं 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 नहीं, मर जाओ। ओ फाइनली मर गए। ओ ये क्या है? अभी सही ना, मुझे लगा ये पहले मैंने एक बार घुमाया ना तो ये ना आधे मरे हुए थे, अब ये पूरी तरीके से मर गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं और यहाँ पे भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सेस हैं, लेकिन यहाँ पे जाम है, मतलब ये चालू नहीं होगा। इस टीवी को चालू करते हैं और यहाँ पे शायद से नीचे जाऊँगा तो मरूँगा, या फिर ये लिफ्ट है। हाँ ये टूटा हुआ है, वैसे इसके अंदर भी तो जा सकता हूँ मैं, पर इसके अंदर मैं जा सकता हूँ तो टीवी से जाने की ज़रूरत क्या है? ओ जंप जंप, ठीक है। तो मैंने ऊपर की वो तो चालू कर दी थी, अगर मैं इसको यहाँ से घुमाऊँ, एक सेकेंड इसको पहले चालू कर देता हूँ, ठीक है। और ये चालू तो मैंने कर दिया है, अबे मैं जा ही नहीं पा रहा इसके ऊपर। इस बॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं? इस बॉक्स को यूज़ करके अगर मैं उसको चालू कर दूँगा तो ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ चली जाएगी, लेकिन उससे मेरा फ़ायदा क्या होने वाला है? क्योंकि फिर मैं ऊपर कैसे जाऊँगा अगर मैंने इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ पहुँचा दिया तो? मुझे शायद से ऊपर की तरफ जाना चाहिए या वैसा कुछ तरीका ढूंढना चाहिए। हाँ या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं इस लिफ्ट को ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ पहुँचा दूँ और फिर ऊपर जाके टीवी में से चला जाऊँ। अबे यार ये तो खुली गया। चलो
अभी क्या होगा, ये काम करते हैं। ओ नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, इस टीवी के ऊपर चढ़ के इसको चालू करते हैं। हाँ अबे यार मुझे लगा था नीचे की तरफ जाएगी। ओके मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं वहां चला जाऊंगा। मैं शायद से समझ रहा हूँ कि मुझे ना ये जो छेद है ना ऊपर की साइड, मुझे इनमें से कूदना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे खुल जा, ऐसा तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ और है। मतलब मुझे ना मिडिल वाले फ्लोर पे जाना है, मिडिल वाले फ्लोर पे जाने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, सबसे पहले तो ये गया मैं ऊपर, मैं क्या करने वाला हूँ कि इस बार लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो मैं स्टीवी से टेलीपोर्ट होकर बाहर की तरफ आ जाऊँगा और उसके बाद इस लिफ्ट के ऊपर की तरफ चढ़ जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं लिफ्ट के ऊपर की तरफ चढ़ गया तो मैं इन मतलब ये जो जगह है यहाँ पे गोल गोल, इनके अंदर मैं इनके अंदर से कूद सकता हूँ सेकंड वाले फ्लोर पर, यानी कि मिडिल वाले फ्लोर पर। तो एक बार ऐसे ट्राई करते हैं, काम कर जाता तो अच्छी बात है। चलो मुझे क्या करना है, मुझे इस लिफ्ट को फिर से नीचे की तरफ लेके जाना है। चलो ठीक है, और अभी इसमें से मुझे टेलीपोर्ट हो जाना है। ठीक है अभी मैं फटाफट से इसके ऊपर जाऊंगा, ये आ गया मैं। ठीक है पकड़ लिया मैंने और मैं आ चुका हूँ फाइनली, आइडिया काम कर गया। ठीक है यहाँ पर साइड में तो कुछ नहीं है, मुझे जाना होगा उस साइड में। और यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, लेकिन इस बॉक्स, हाँ इस बॉक्स के पीछे कुछ है, इसको खींचता हूँ पीछे की तरफ, लेकिन ये खींचेगा नहीं, पकड़ ले, नहीं पकड़ रहा। मुझे इसको पहले उठा के फेंकना पड़ेगा। ओके इसको उठा के पहले फेंको। ठीक है अभी इसको खिसकाओ और यहाँ से चलते बनो। ओ भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है मतलब कि मुझे इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। टब के अंदर पता नहीं कुछ होगा या फिर नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं डायरेक्टली जंप भी तो कर सकता हूँ ना। ठीक है 1 2 3 बाल बाल बच गया। ओ यहाँ पर भी वो आंटी थी, मतलब ये दूसरी वाली है। अब इनकी अगर टीवी बंद कर दूंगा तो यहाँ पर नाटक हो जाएगा। ये खुलता है क्या, खुल जा, नहीं खुलेगा। तो इनसे बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ गया मैं। एक काम करता हूँ टीवी कर दूंगा मैं यहाँ पे बंद, हो जा। अबे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे यार मुझे सोफे के पीछे रहना चाहिए था। बट यहाँ पे ना मेरे पास शायद से इनसे बचने के लिए एक और आइडिया है, और आइडिया ये है कि अगर मैं टीवी बंद कर दूंगा और अगर इस टब के अंदर जाके छुप जाऊं तो यहाँ पे वो आएंगी आंटी जी और यहाँ पे करंट खा के मर जाएंगी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इस टब के अंदर जाना पड़ेगा। ये मर गया मैं, पता था मुझे, मुझे इस टब के अंदर जाना है क्योंकि अगर मैं सोफे के पीछे भी रहूँगा ना तो यहाँ पे कुछ बात बनने वाली नहीं है। ठीक है तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं। सामने की तरफ चढ़ने का और रास्ता वास्ता है कि नहीं है, ये नहीं है। मतलब कि मुझे इस उसके पानी वाले से जाकर ऊपर की तरफ वहाँ जाना पड़ेगा टब के अंदर। ट्राई करते हैं चलो, और मैं टब के अंदर बैठे बैठे ना शायद से उसको बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन जाऊँगा कैसे मैं। ओके समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। एक काम करता हूँ मैं नीचे की तरफ चलता हूँ ना। हाँ ऑल राइट, तो फाइनली जो है मैं इसके ऊपर चढ़ गया। मतलब मुझे इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सीट के ऊपर से डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। अब बस ये जो रिमोट है ना ये काम कर जाए। ऑल राइट तो रिमोट भी काम कर गया, अभी जो मैडम है ना वो यहाँ पे आएंगे और मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। ओके इनको लग चुका है शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे जो लाइट है ये भी हो चुकी है बंद। पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लेते हैं। अभी यहाँ पे जो टीवी है ये तो चालू होगी नहीं, क्योंकि टीवी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे फूट चुकी है, यानी कि शॉर्ट सर्किट नहीं कह सकते, ज़्यादा लाइट कह सकते हैं। और मुझे उस स्क्रू की ज़रूरत पड़ने वाली है इसको खोलने के लिए।
फटाफट से स्टूल को सरकाते हैं। चलो ऑल राइट, अब इसके ऊपर चढ़ के इसको खोलते हैं और चलते हैं उस साइड में। ओ भाई यहाँ पर भी लोग टीवी देख रहे हैं, कितने टीवी देखते हैं यार ये लोग। नीचे की तरफ जाऊँगा तो बच तो जाऊँगा मैं, बच गया। इनकी टीवी बंद मैं करने वाला नहीं, क्योंकि इनकी टीवी बंद हुई ना तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। इन्हें पहले शांति में मतलब यहाँ निकल लो। ऑल राइट, तो मैं ये वाली खिड़की से यहाँ पर तो आ चुका हूँ और बाहर की तरफ काफ़ी सारे लोग वगैरह भी खड़े हुए थे। खैर यहाँ पर अभी मुझे नीचे की तरफ जाना है, बट नीचे की तरफ पानी है और पानी में लगा रखा है करंट, यानी कि मैं गया तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मरने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे टीवी भी दी गई है और टीवी का यहाँ पे पता नहीं क्या यूज़ है। क्या मैं बाहर वाली टीवी से यहाँ पे आ सकता हूँ? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाहर काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी टीवी मैंने बंद कर दी ना तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरीका और है कि मैं यहाँ पर इस इस फिरकी को, मतलब क्या कहते हैं उसको अपन, चरखी, हाँ चरखी, चरखी को उठा के अगर मैं जाऊँगा पानी में तो शायद बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड रखी हुई है, अगर मैं इसको लेके जाऊँ या फिर इसका कुछ यहाँ पे इंतज़ाम करूँ तो शायद से कुछ हो सकता है। तो फटाफट इसको ट्राई कर लेते हैं, मैं लेके इसका ट्राई करूँगा काम है, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए चढ़ भी गया तो भी मैं मर जाऊँगा। ओके, नहीं 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 बच गया। हाँ तो अगर मैं इसके ऊपर चढ़ भी गया, जो कि मैं चढ़ सकता हूँ, और मैं इसको लेके पानी में गया तो करंट तो लगने वाला ही है। एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कुछ जा नहीं रहा है। अबे नहीं 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 ठीक है, नहीं नहीं अभी इतनी दूर नहीं जाना, पास में आ जा, पास में आ जा। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ तो मैं इसको यूज़ करके अब कुछ कर सकता हूँ, पकड़ लिया, बढ़िया। वाओ करंट मुझे लगा नहीं है, पकड़ ले। ओ ठीक है, यहाँ पे पानी है कि ना, मुझे उसकी उस पार जाना है ना। ओ बच गया, पानी यहाँ पर नहीं है। और अगर इसका वाले कमरे में आऊँ मैं तो इस वाले कमरे में हाँ एक काम कर सकते ना, इसको मैं पीछे की तरफ खींच सकता हूँ। नहीं नहीं ये तो कुछ हिल भी नहीं रहा यार, इसके ऊपर भी मैं जा नहीं सकता हूँ। मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा बाहर की साइड। कुर्सी, कुर्सी भी पॉसिबल नहीं है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ बाहर। ये नहीं, एक सेकेंड, वहाँ पे ना ऊपर के साइड रास्ता है, समझ गया मैं क्या करना है। इसके ऊपर चढ़ो और फिर जंप लगा के इसके ऊपर चढ़ो और फिर वहाँ से मैं लाइट बंद कर दूंगा ना तो काम बन जाएगा। चलो ये हो गया बंद, एक सेकेंड, बंद तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक येलो लाइट जली है, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पे टीवी भी बंद हो गई, तो यहाँ पे टीवी तो बंद हो चुकी है। तो यहाँ से जो है नीचे की तरफ चलते हैं और शायद आगे की तरफ कुछ रास्ता हो, पानी में तो करंट लगेगा नहीं मुझे। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे रास्ता वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है। ओके तो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे ना इसको वहाँ पे लेके मतलब लगाना चाहिए शायद से। ओके समझ गया मैं, समझ गया, मतलब कि यहाँ पर ही मुझे कुछ ऐसे ही करना है। अगर मैं इसको उस साइड लगा दूँगा और फिर टीवी चालू कर दूँगा तो मैं इसके थ्रू इसके ऊपर चढ़ के टीवी के पास पहुँच सकता हूँ और फिर टीवी से मैं टेलीपोर्ट होकर कहीं और जा सकता हूँ। मतलब उसके लिए मुझे टीवी चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको तो मैंने यहाँ लगा दिया है, एक सेकेंड, इतना पास, इतना पास, ठीक है। वैसे एक काम करता हूँ ना, सीधे सीधे जाता हूँ, हाँ इसके ऊपर चढ़ूँगा, इसके ऊपर से फिर वहाँ पे, हाँ अभी सही है। अभी मुझे वापस उसी कमरे में जाना है और कमरे में जाके टीवी को चालू करना है और फिर यहाँ से टेलीपोर्ट होना है फटाफट से। अबे बच गया मैं, जंप लगाने के चक्कर में मरने वाला था अभी। इसको मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ, चलो लाइट चालू हो चुकी है। यहाँ से मैं नीचे की तरफ कूद जाऊँगा, ये आ गया। अगर मैंने टीवी बंद की ना तो बाहर जो लोग टीवी देख रहे थे ना उनकी भी टीवी बंद हो गई होगी। चलो यहाँ से मुझे जाना है नीचे की तरफ, आराम से, आराम से, बच गया। अब पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ लिया और यहाँ से हो जाओ टेलीपोर्ट। ओके
यहाँ पे टेलीपोर्ट का खेल बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी किधर जाऊँ? ये दरवाज़ा खुलने वाला है क्या? खुल तो जाएगा अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के इसको खोलूँगा तो। अरे चलो बाहर की तरफ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग टीवी देख रहे हैं और मेरे हिसाब से मुझे ना इसके आगे ना बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो है इसके आगे जाना चाहिए यहाँ पे लिटिल नाइटमेयर्स 2 के नेक्स्ट पर एपिसोड में। तो अगर आपको इस एपिसोड नहीं पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और हाँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा क्या वो 6 है या फिर वो द गर्ल इन द रेनकोट है। इसके बारे में जरूर से आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसे किसी मजेदार एपिसोड के साथ, क्योंकि मजेदार आगे काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम ना अपने फ्रेंड को यहाँ पर छुड़ाने वाले हैं उस मिस्ट्री मैन से, और पता नहीं वो कैसा कैसा दिखने वाला हुआ या फिर वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा या फिर हम जो है उससे कैसे जीत पाएंगे, वो तो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तो हमेशा की तरह खुश रहिएगा।